दोस्तों तब क्या होता है जब कोई 13 साल के बच्चे किसी इंस्टाग्राम के प्लस साइज मॉडल को देख के या फिर बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे देख के अनहेल्दी खाना शुरू कर देती है। और ये जो लोग हैं बहुत सारे जो कहते हैं बॉडी पॉजिटिविटी, और इनको देख के अगर कोई 13 साल के बच्चे अगर अनहेल्दी खाना शुरू कर दे तो गाइस क्या होता है। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं यही सारी बात करने वाला हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज़ सेल्फ लव, व्हाट इज़ बॉडी पॉजिटिविटी, और गाइस एक्चुअल मीनिंग क्या है बॉडी पॉजिटिविटी का। सो गाइस अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि मॉडर्न डे लाइफ में अभी लोग बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे कौन से ऐसे डेफिनेशन देते हैं। सो सबसे पहले हम लोग गाइस ये चेक करेंगे। सो बॉडी पॉजिटिविटी रेफर्स टू द असर्शन दैट ऑल पीपल डिजर्व टू हैव अ पॉजिटिविटी बॉडी इमेज रिगार्डलेस ऑफ हाउ सोसाइटी एंड कल्चर व्यू आइडियल शेप साइज एंड अपीयरेंस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज गाइस इससे जो समाज में से आपको जो जजमेंट आती है या फिर जो भी समाज का व्यू है और यू नो इससे बहुत बहुत सारे लोग चिढ़ाते हैं, आपको बुली कर सकते हैं। तो फिर मॉडर्न डे जो बॉडी पॉजिटिविटी की जो अपनी डेफिनेशन है तो ये लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो सोसाइटी कहती है यार आप उसके तरफ ध्यान मत दो, जैसे आपको रहना है वैसे रहो। तो फिर यू नो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि मैंने आपको वही बताया कि कोई आपको बुली ना करे या फिर कोई भी आपकी यू नो बेइज्जती ना करे या फिर कोई भी आपको चिढ़ाए नहीं, तो फिर यही सारी चीज़ें यहाँ पे। तो और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कोई भी मतलब जो जजमेंट आती है फिर जो भी यू नो कोई भी आप पे कमेंट पास कर दे तो आप उसके लिए कोई भी अनहेल्दी वे ना करें खुद को परफेक्ट करने के लिए, जैसे कि यू नो स्टेरॉयड यूज़ या फिर बहुत सारी चीज़ें है गाइस। तो आप ऐसी सारी चीज़ें ना करें, ये मॉडर्न डे के हिसाब से। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि यू नो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इस सब चीज़ों पर। दोस्तों इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, कुछ ऐसे यू नो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा यू नो प्रमोट कर रहे हैं ओबेसिटी को बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे। सो इसमें मतलब इसमें डिफरेंस क्या है गाइस, बॉडी पॉजिटिविटी एक अलग टॉपिक है लेकिन ओबेसिटी एक बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक है। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो मिसलीड कर रहे हैं यंग जनरेशन को और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार यू नो फैट इज़ वेरी नॉर्मल। और जो फैट एक्टिविस्ट भी कहते हैं कि फैट होना कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हो सकते हो आपको जैसे रहना पर हो। तो हाँ मैं वो फैट एक्टिविस्ट से भी यू नो एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे जो ध्यान देने लायक है। सो जब गाइस यहाँ पे बात आती है बॉडी पॉजिटिविटी की तो फिर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये इनको रोकना पड़ेगा। आप ओबेसिटी को कभी भी यू नो बॉडी पॉजिटिविटी के साथ ऐसे कंबाइन करके लोगों को चिपका नहीं सकते। और अगर आपको कोई बोल रहा है तो ठीक है आप को इग्नोर करो, लेकिन ये जो बॉडी पॉजिटिविटी नाम पे जो मिसलीड हो रहा है ना बहुत ही ज़्यादा गलत है और एक गलत मैसेज और एक गलत विचारधाराएं पैदा हो रही है इससे लोगों में। गाइज ये जो बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे आपको यू नो अलग अलग टाइप के धंधे चिपका रहे हैं, तो फिर ये वही लोग हैं जो बोटॉक्स का जो ट्रीटमेंट होता है स्किन में जो इंजेक्शन डालने वाला ये वो लोग कराते हैं। और गाइज इन लोग ने बहुत सारे मैंने मॉडल्स देखे मैंने कल बैठ के बहुत सारे, तो फिर उन्होंने ब्रेस्ट अपलिफ्टमेंट या फिर बट अपलिफ्टमेंट हो गया या फिर कोई अगर मतलब बंदा है तो फिर वो स्टेरॉयड यूज़ कर रहा है ज़्यादा मस्कुलर होने के लिए। और कुछ लड़के तो गाइस ऐसे भी है जो पेनिस एनलार्जमेंट सर्जरी भी कराते हैं जस्ट बिकॉज कि यू नो उनको परफेक्ट दिखना होता है। और गाइस जो बॉडी पॉजिटिविटी वाले जो मॉडल्स रहते हैं ना ये लोगों को यही दिखाते हैं कि यार आपको मतलब है ना हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। बट गाइस हमेशा बात ऐसी नहीं होती है, बहुत बार बात आती है आपके हेल्थ को लेके। तो फिर ये जो बात है ना कि इतनी सारी जो अपलिफ्टमेंट सर्जरी हो गई या फिर जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट हो गया ये आपको कोई ज़्यादा यू नो हेल्दी बिल्कुल नहीं। और जब मैंने सुना कि पेनिस एनलार्जमेंट की भी सर्जरी होती है मेरे पैरों तरह ज़मीन खिसक गई, मैंने उसके बारे में पढ़ा बहुत ही खतरनाक था। और तो और गाइस जब भी कोई 13 साल का बच्चा अगर इनको देखता है बॉडी पॉजिटिविटी वालों को तो फिर यार उसके दिमाग में ये मैसेज जाता है कि यार ये लोग इतने खुश है तो फिर हमें भी ऐसे ही खाना चाहिए। फिर अनहेल्दी ईटिंग की हैबिट्स आ जाती है, और जब अनहेल्दी ईटिंग की हैबिट्स आती है तो लड़कियों में पीसीओडी की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब गाइस यू नो पीसीओडी की जब दिक्कत होती है आपको पता है कितना हानिकारक होता है यार लड़कियों के लिए, पूरे हार्मोनल यू नो पूरी मतलब वाट लग जाती है बॉडी। सो गाइस अभी मैं बात करूंगा उन इन्फ्लुएंसर्स से जो लोग बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे लोग को यू नो येड़ा बना रहे, जो गलत विचारधाराएं फैला रहे हैं लोगों में। तो फिर अभी मैं यहाँ पे ना आपको बताने वाला हूँ कि ओबेसिटी के साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्या क्या हो सकते हैं। फिर यू नो सेकंड आता है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, थर्ड में आता है अनइवन लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और फोर्थ में आता है गाइस टाइप 2 डायबिटीज़ भी यहाँ पे, और जो फोर्थ वाला है कोरोनरी हार्ट डिसीज़ आपको हो सकते हैं, और जो सिक्स में आता है गाइस आपको स्ट्रोक आ सकते हैं, हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। और जैसे कि सेवन्थ में मैंने बोला कि अगर आपका ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा तो फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो फिर अभी मुझे आप यहाँ पे बताएं कि ये जो बॉडी पॉजिटिव वाले लोग जो ऐसे यू नो बाहर इतना बड़ा बैनर चिपका रहे कहाँ पे है तुम्हारी पॉजिटिविटी ज़रा बताना अभी यहाँ पे। और यहाँ पे जो एट जो यू नो साइड इफेक्ट हो सकता है वो हो सकता है स्लीप एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली यार इतनी बड़ी बॉडी में इतना छोटा हार्ट जो मुट्ठी जितना होता है वो कैसे काम करेगा, मुझे नहीं लगता काम कर पाएगा अच्छे से। और यहाँ पे नाइन्थ वाला आता है मेंटल इलनेस यानी कि डिप्रेशन में जा सकते हो। ऑब्वियसली गाइस
जिनका भी वेट बढ़ता है या फिर जिनका भी वेट गिरता है, कभी ना कभी आपको डिप्रेशन होने के ऑब्वियसली चांसेस होते हैं। इवन जब लॉकडाउन हुआ था तब मेरी मेरे मसल श्रिंक हो गए, मेरा वज़न कम हो गया, तो थोड़ा सा डिप्रेशन आया था लेकिन हमने उसको भगा दिया। ओके, और यहाँ पे लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो साइड इफ़ेक्ट आता है वो है आपको 13 अलग अलग टाइप के कैंसर्स को फेस करना पड़ सकता है। तो डियर इन्फ्लुएंसर, जो भी इंस्टाग्राम के जितने भी सारे मॉडल्स हैं, अभी आके कमेंट करिए वीडियो के नीचे कि आप जो कर रहे हैं क्या है सही कर रहे हैं, या फिर आप जो ये लोगों में विचारधाराएं फैला रहे हैं गलत गलत, ये सही है क्या? अभी आप मुझे बताएं कि बिकॉज आपको इतने सारे, यार मतलब मैंने तो अभी कम साइड इफ़ेक्ट्स निकाले, अगर मैं गिनाने बैठूँ डीप में तो फिर ज़्यादा होने वाले अगर, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स वाले बताए आपको। और गाइज अभी मैं बात करूँगा कि एक ट्रू डेफिनेशन क्या होती है बॉडी पॉजिटिविटी की। तो गाइज जैसे कि किसी की स्किन लूज होती है, या फिर कोई थोड़ा सा फैट हो सकता है, या फिर कोई किसी के बॉडी में बर्थ मार्क्स हो सकते हैं, या फिर किसी के बॉडी में कुछ अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं, या फिर कोई बंदा डिसेबल हो सकता है, या फिर कोई बंदा स्पेशल चाइल्ड हो सकता है, तो इन सारे लोगों को हमें ना ही खुद शर्मिंदा होके ना ही हमें उन्हें शर्मिंदा करना है, इसी को हम कहते हैं बॉडी पॉजिटिविटी। तो फिर गाइस ये है रियल डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई कि यार कोई कैसा है, यू आर नो वन टू जज एनीवन। ओके, आपका कोई अधिकार नहीं बनता किसी को काला बोलना कलर के ऊपर से, या फिर कुछ भी हो गया बॉडी के ऊपर से, आपको कोई अधिकार नहीं। और बॉडी पॉजिटिविटी यही है कि यार जो भी अपने समाज में जितने भी लोग हैं उनको हम लोग पॉजिटिव फील कराएं कि भाई आप कोई अलग एलियन नहीं हो जो अलग ग्रह से आए हो, आप बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो जैसे कि हम हैं। तो फिर गाइज यही है जो डेफिनेशन है कि बॉडी पॉजिटिविटी की। और जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, आई होप सो आपको वीडियो समझ आ गया होगा। और गाइज यार जिन्हें भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं मेरे साथ। और यार जिनको ये वीडियो से दिक्कत हुई या फिर किसी के मेंटल सेंटिमेंट्स अगर हर्ट हुए तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें यहाँ पे। और गाइज यार यही थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन बॉडी पॉजिटिविटी को लेके। और गाइज ऐसे ही मिलता रहूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।